चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम लोग ने सोचा था नॉर्लिंग फूड एंड टेंट्स में हमें कुछ अवेलेबल होगा। चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ लगा नहीं ना, बैठ जाओ। संभल गया, हाँ रेत था। भाई जाना तो सबको यार, इतना हॉर्न मत बजाओ। साइड से निकालो, यहाँ से बीच में से जाओ, हाँ लेफ्ट से जाओ, पहले उनको जाने दो। सर जी रुको, हाँ निकालो बिंदास, वेल डन। यार ये क्या है वो काल, मां कसम। रुकना पड़ेगा इन लोगों के लिए। फक चढ़न वही लिखा होती, इसमें थाम लो आले आले आजी आले वर आले। चलो आ गए सब लोग, गिर एक फुड़े गए। तो जागा नहीं भेटणार, रोहतांग 43।
किलोमीटर की दूरी पे है और पूरा का पूरा ऑफ रोड है। अरे यार, हमने तो गिने चुने ही ना वाटर क्रॉसिंग की वीडियोस निकाले जो इस व्लॉग में आपको दिख रहे। अरे वाटर क्रॉसिंग कर करके पागल हो गए हम लोग, जितना वाटर क्रॉसिंग उतना रिस्क। छोटे मोटे ये बड़े बड़े घोड़े ऐसे ऐसे छोटा छोटा पासेस तो गिना ही नहीं मैंने। देखते हैं यहाँ कुछ खाने के लिए मिलता रहेगा तो एक ब्रेक ले लेते हैं। फूड टेंट, ओके। ज्यादा अंदर मत लगाओ, निकालना अपने को ही है। मुझे भी पानी पीना। खतरनाक था बहुत ना। हाँ हाँ करता, हाँ हाँ कर, खतरनाक नहीं। तो हम लोग ने सोचा था नॉर्लिंग फूड एंड टेंट्स में हमें कुछ अवेलेबल होगा, लेकिन यहाँ कुछ भी फूड्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लेके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से करीबन 12 किलोमीटर की दूरी पे एक ढाबा है, शायद वही कुछ खाने को मिल सकता है। ए रे घोड़े, लंबे लंबे चौड़े चौड़े मोटे मोटे। करण अर्जुन का डायलॉग याद आ गया। दोस्तों इस रोड पे जब भी मैं आ रहा हूँ ना, तो एक बात बहुत गौर हो रही है कि बहुत सारी व्हीकल्स ब्रेकडाउन्स हो रही है। अगर आप सोचते हो कि हम गाड़ी से जाएंगे, फोर व्हीलर से, और हमको कुछ नहीं होगा, हम सही सलामत जाएंगे, भाई बहुत तकलीफ़ है यहाँ गाड़ी ब्रेकडाउन होने के बाद ना, हर चीज़ के लिए आपको रुकना पड़ेगा। और ऐसे छोटे छोटे रास्ते, और कुछ ड्राइवर्स लोग तो ऐसा समझते कि अपनी बाप की रास्ता है, तो ऐसा नहीं है भाई। सब लोग चला रहे हैं सबको घर जाने की या फिर अपने लोकेशन जाने की जल्दी है, तो सब लोग अपने एंड से ट्राई करते हैं। अगर सामने वाला आपके लिए रुक रहे हैं तो कम से कम उसको गाली तो मत दिया करो। इन्होंने नहीं दिया, लेकिन बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि हम लोग साइड में रुके भाई, उनको जगह दे रहे, लेकिन बोलते कि भाई क्या समझ भी नहीं आ रहा है। अरे खुद एक तो हम सामने से जगह देंगे। और यहाँ से फिर से ग्लेशियर्स दिखने चालू हो गए यार, तो फिर से वाटर क्रॉसिंग ज़्यादा रहेगी। मिट्टी कीचड़, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, गाड़ी संभालना पड़ेगा। वो पूरा मिट्टी है और मिट्टी के साथ ये भाई लोग के लिए रुकना पड़ेगा। वेल डन। आ जाओ बाजी वहाँ से। अरे यार बाजी क्या कर रहे, मिट्टी है मिट्टी। चलो बाजी ने नए रास्ते की खोज कर ली।
और कितना करेंगे वाटर क्रॉसिंग भाजी, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मिरर में देखना पड़ता है घड़ी घड़ी पीछे वालों को, सर जी नहीं दिख रहे। सर जी नहीं दिख रहे। बहुत सारे टेंट लगाए हुए दिख रहे, शायद यहाँ कैंप सेट होती रहेगी। लेकिन ये एरिया कौन सा है, हम कौन से इलाके में, हमको कुछ पता नहीं। हम सिर्फ मनाली की तरफ बढ़ रहे। हाथुड़ जनसंख्या 120। ओके, तो हम लोग हाथुड़ विलेज में हैं और यहाँ की लोकेलिटी अराउंड 120 पर्सन्स की है। दोस्तों अभी सिचुएशन ऐसा आ चुका है ना, हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। सिर्फ जो रास्ता दिख रहा है सामने, उस रास्ते के मोड़ के हिसाब से आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमें सच में पता नहीं कि हम सही में मनाली जा रहे हैं या और किधर जा रहे हैं। जो गाड़ी जा रही है आगे उसका फॉलो कर रहे हैं। भाई साहब जगह दे के हमको बहुत मेहरबानी कर दी भाई, कि उसकी धूल मिट्टी से ही हम लोग ज़्यादा परेशान हो गए थे। पूरा रास्ता ही वाटर क्रॉसिंग वाला बन गया है। ये पिघलती हुई ग्लेशियर, मिट्टी के ऊपर गाड़ी सरक रही है, तो उससे अच्छा इसमें ही चलाओ, कम से कम गिरेंगे नहीं। रास्ते से नज़र हटी ना तो ऐसे कुछ व्यू दिखते हैं, लेकिन रास्ते इतने ख़राब है ना कि वहाँ से नज़र भी हटाना नामुमकिन होता है। बिकॉज नज़र हटी दुर्घटना घटी। लेकिन क्या वाटरफॉल है यार, बेसर जी क्या करे, बाहर क्यों जा रहे हैं। ओके एक मिनट, और यहाँ से अटल टनल 12 किलोमीटर, मनाली 45 किलोमीटर्स।